बड़ा वाला घर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। हर्षिता को स्कूल छोड़ने के बाद अपना ये सारा सामान जो ड्रेसिंग में रहता है और एक दो अलमारी वगैरह में एक्स्ट्रा सामान पड़ा होता है, वो सारा निकाल के अभी मैं फैला के बैठ गई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मुझे टाइम पर नहीं मिल रही हैं। क्योंकि सामान शादी वादी में जाओ, इधर उधर जाओ, या मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ तो मिक्स हो जाता है, तो सारी चीज़ों को आज मैंने बड़ी बढ़िया से अरेंज करके रख दिया। जो सब कपड़े धोकर रखे थे, स्टैंड पे सुखा रखे थे तो सूख गए हैं, दिन में काफ़ी अच्छी धूप लग गई थी इन्हें। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बीच बीच में अब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो मेरी आवाज़ आपको कभी सुनाई भी दे सकती है, कभी इसमें डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही ठंड शुरू होती है मेरा गला मुझे डिस्टर्ब करने लगता है। वैसे सर्दियाँ सबको पसंद होती है, पर कुछ इन्हीं रीज़न की वजह से मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है। एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि इस समय पे काफ़ी अच्छी खाने की चीज़ें, मतलब वेजिटेबल वगैरह बहुत अच्छे आ जाते हैं, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, पर ये गला और बार बार रह रह के जो फीवर होता रहेगा उसके तो बस मैं परेशान हो जाती हूँ। लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँ तो पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, और शायद आप अगर कंटिन्यू मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि उस पूरे सीज़न मेरा गला ख़राब रहा था, मैं बहुत परेशान रही थी। आधे टाइम मेरी आवाज़ आती थी, आधे टाइम नहीं आती थी। सेम अभी दो दिन से मौसम ज़्यादा चेंज हुआ है, ठंड शुरू हो गई है, तो अब फिर वही चीज़ शुरू हो गई कि गले में मतलब खींच खींच के आवाज़ निकालनी पड़ती है। ऐसा मेरे साथ होता है सर्दियों में, काफ़ी लोग रिलेट करते हैं क्योंकि ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ हो जाती है। शाम के टाइम में अक्सर मैं सामरानी का धुआं घर में कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और ऐसा फील होता है जैसे घर में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी सी इर्द गिर्द नहीं फील होती। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जैसे अगर घर में चाहते हैं एक खुशनुमा वातावरण और एक पॉजिटिविटी को फील करना, तो कभी कभी हो सके तो ये सामरानी जला लिया करिए और इसकी धुनी को पूरे घर में दे दिया करिए, ये बहुत अच्छी होती है। आपको इतना रिलैक्स फील होगा, इसके बाद आप खुद उस चीज़ को ना फील कर पाएंगे। जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ये अंतर अपने अंदर देखा है। तो ये वाले जो कप्स मैं लेके आई थी ये थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लिए थे उसमें एक ही कप के अंदर सारा सामान था, बस पाउच को खोलो और डाल दो, लेकिन इसमें कप अलग से खाली दिए हुए हैं, एक छोटी सी जिसके ऊपर हम चाहे तो कपूर रखें चाहे तो लौंग, तो ये दोनों चीज़ मैं जला देती हूँ इसके ऊपर। तो ये दोनों चीज़ आप रख के फिर इसको शुरू करें लगाना। और ये वाला जो कप है ये बहुत ही इंस्टेंट ख़त्म हो जाता है, इससे पहले जो मैं लेके आई थी वो ऐसा नहीं था, वो थोड़ा टाइम लेता था और एक लॉन्ग टाइम तक वो चलता था, पर ये वाला थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो बेटी को मैंने चॉकलेट ला के दी थी उसने उस समय खाई नहीं, बस कह रही थी कि मैं खाऊंगी, पर उसे रख दिया था, तो आज निकाली है, उसे खा रही है। और अब मैं मिल रही हूँ आपको दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग पे। अभी बेटी को स्कूल छोड़ के आई हूँ तो घर का थोड़ा सामान और सब्जियाँ ये दोनों चीज़ लेती भी आई हूँ। सब्जी मुझे लेनी थी जहाँ मैं गई थी उसी साइड से, पर अचानक से कोरियर वाले की कॉल आ गई तो मुझे वापस घर आना पड़ा। बट बाय चांस आज लक अच्छा था, तो जैसे ही मैं घर पे आई तो गेट के नीचे ही, नीचे गेट के बाहर ही सब्जी वाले भैया खड़े थे, तो उन्हीं से ये सारा सामान ले लिया मैंने। ये थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं, ताज़ी ताज़ी एकदम मिल गई। और अब सोच रही हूँ कि सारी चीज़ों को चेंज कर दूँ, क्योंकि ये जो टोकरी है ये नीचे सब्जी वाले भैया की है, उनको वापस करनी है। और इस समय मन हो रहा है ये पेठा बनाने का,
कल से मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं पेठा बनाऊंगी और खाऊंगी। मुझे ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और ताज़ा ताज़ा मिल गया, तो अब बस जैसे ही सब्ज़ी खाली करके उनकी टोकरी उनको देके सबसे पहले किचन में आई हूँ और पेठा ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी कट भी गई है, धुल भी गई है और कढ़ाई भी चढ़ा दी है मैंने। ये मसाले बॉक्स निकाला है जिसमें मैं खड़े मसाले रखती हूँ। तो इस सब्ज़ी के अंदर मेथी दाने से छौंक लगाया जाता है जो अच्छा लगता है जीरे के कंपेयर में, और उसी के साथ इसका टेस्ट भी बैठता है। साथ साथ में मैं जो सामान लेके आई हूँ उसे भी खाली करूँगी, क्योंकि जो छोटा मोटा सामान और डेली नीड की चीज़ें होती हैं वो तो आपको पता ही है, हर दूसरे दिन उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लाना पड़ता है। तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आया है, ये पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स जो मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है, तो जब स्कूल से आएगी तो उसको सरप्राइज़ दूंगी खाने के लिए, तो काफ़ी खुश हो जाएगी। और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा पूजा का भी सामान लेके आई हूँ। अभी दिवाली के आसपास जो सामान लाए थे वो सारा लग गया है, तो ये छोटा छोटा सामान फिर ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा से लेके आई हूँ। ये जो मैं आपसे अभी कुरियर की बात कर रही थी कि मैं अचानक से मुझे वापस आना पड़ा, तो एक कुरियर ये आ गया था और एक ये कल आया था, जल्दी आपको खोल के दिखाऊँगी। ये सब सर्दियाँ शुरू होते ही पता है आपको कि थोड़े से मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, तो गुड नाइट हिट ये सारी चीज़ें घर में हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, क्योंकि अब सर्दियों में पोहा सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए मैं यहाँ पोहा लेकर आई हूँ, ये खुले वाला, और एक मैं लेके आई हूँ ये पैकेट वाला। तो लेकिन दोनों को अलग अलग रखूँगी मैं, हमेशा वैसे यही यूज़ करती हूँ, पर वहाँ पे देखा दुकान पे तो बहुत लोग ये परचेज़ कर रहे थे, मुझे लगा शायद अच्छा होगा वो भी, तो खुले में ले आई। और रेट पर बहुत डिफरेंस होता है, ये 50 रुपये किलो है और ये 50 रुपये का आधा किलो, और आधा किलो भी नहीं होता ये पूरा, ये 400 ग्राम के आसपास होता है। तो एक ये कंटेनर रखा है बड़ा वाला घर पे, तो अब इसे धोऊंगी, फिर सुखाऊंगी, फिर उसके बाद इसके अंदर डालूंगी इसको। इस सब्जी में डालने वाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ये आमचूर पाउडर और थोड़ी सी चीनी, तब जाके इस सब्जी में 4 चांद लगा देती है। सब्जी तो लगभग तैयार है, बस 2-4 मिनट के लिए और इसको ढक के छोड़ दूंगी। यहाँ पे इतने मैंने सब्ज़ी का वो काम किया, मसाले वसाले डाल के उसको सेट किया, यहाँ बीच में कैमरा ऑफ़ करके मैंने इसको धो दिया था, क्योंकि अभी मैं इस समय अकेली हूँ, जब काम कर रही हूँ तो बेटी होती है तो थोड़ी बहुत वो भी हेल्प कर देती है, तो हर चीज़ कई बार शूट नहीं भी हो पाती। तो बस धूप आ चुकी है, तो यहाँ पर गैलरी में इसको मैं धूप में रख दूँगी, थोड़ी देर में सूख जाएगा और बैठ के चाय पीऊँगी। अब जाकर मिले हैं फुर्सत से, फुर्सत के थोड़े से पल, टाइम धीरे धीरे काम करते करते बज गया है, 10 बजने वाला है। और यहाँ अंदर डाइनिंग पे बैठी हूँ मैं, यहाँ पे देखिए सीधी सूरज की किरण आती है अंदर, उधर बेडरूम में भी और इधर लिविंग रूम में भी। तो अब आराम से बैठ के चाय पीती हूँ एक कप, क्योंकि ताज़ा दूध आता है ना, और ताज़ी ताज़ी अभी अदरक भी लेके आई हूँ, नीचे सब्जी वाले आए हुए थे, जो अदरक की खुशबू आ रही है चाय में से मज़ा आ रहा है। चाय हम लोग बहुत सारी चीज़ों से बनाते हैं, मसाला चाय, इलायची की चाय, सौंफ वगैरह डाल के, पर मेरी सबसे बेस्ट और फेवरेट चाय है अदरक वाली चाय, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सर्दियां आती ही तो मज़ा आने लगता है।